Good afternoon, everyone. Today we will start NCERT Science Class 6 ka Chapter 4. Chapter 1, 2 and 3 we have already done. Aap check kar sakte hain unhe. This is Chapter 4, jiska naam hai Sorting Material into Groups. Aap Sorting Material into Groups ko jaane ke liye Sorting Word aa raha hai. Sorting Word you should know ki Sorting hai kya, jiske baare mein hum is chapter mein padhne wale hain. Sorting is like, जब भी आप कोई सब्सटेंस है उस दो डिफरेंट सब्सटेंस है, तीन है या बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उनको आप अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं या अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो वो मैसअप हो जाएंगे. आप लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर वहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन अलग ना हो, हिंदी का सेक्शन अलग ना हो, लिटरेचर का अलग ना हो, लैंग्वेज का अलग ना हो, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप वहाँ पे सर्च करते रहें और सब कुछ ढूंढते रहें. अगर सब क्लासिफाई हो जाएंगे, डिवाइड कर दिए जाएंगे उनके लैंग्वेज के बेसिस पे, नंबर ऑफ बुक्स के बेसिस पे, तो आपको क्या होगा, इजी होगा ढूंढना. तो दैट इज़ व्हाई सॉर्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सॉर्टिंग क्या होता है, सेपरेटिंग और क्लासिफाइंग मटीरियल ऑन सम और दी अदर बेसिस. डिफरेंट आधार बना के या बेसिस बना के आप ऑब्जेक्ट्स को, मटीरियल्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं. जैसे कि एक डायग्राम से समझिए, वुड के मटेरियल्स हैं आपने एक साइड रख दिए हैं, इस पिक्चर में देखिए मेटल के मटेरियल है एक साइड रख दिए. अब सबको मैसअप करके रख देंगे, उनको ढूंढना, उनको पढ़ना, उनको उनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना आपके लिए इजी नहीं हो पाएगा. तो जैसे ग्लास, पेपर, इन सब के मटेरियल्स को आपको अलग अलग दिखाया गया है. इट इज़ जस्ट फॉर कि आप सॉर्टिंग को समझ पाएँ कि सॉर्टिंग क्या है. नेक्स्ट इज़, अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की जिनके बेसिस पे हम सॉर्टिंग करते हैं. जैसे हार्डनेस है, हार्डनेस में दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ हार्ड या सॉफ्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई भी हार्ड है या फिर सॉफ्ट है. जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट होंगे उनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, उनके साइज में आप कोई भी चेंज आसानी से नहीं ला पाएंगे. जैसे ब्रिक है, आपको कह दिया जाए कि उसको कंप्रेस करो, उसका शेप चेंज करो, दैट यू विल बी नॉट इजीली एबल टू कंप्रेस दैट ब्रिक. तो ब्रिक क्या हो गई, हार्ड हो गई. लेकिन जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हैं आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेक्स कर सकते हैं. जैसे कि आपका पिलो होता है, कोई भी सॉफ्ट चीज़ है, स्पॉन्जी चीज़ है, उसको आप इजीली कॉम्प्रेस कर पाते हैं, तो दैट इज़ सॉफ्ट. तो हार्ड और सॉफ्ट होते हैं हार्डनेस के बेसिस पे. जैसे इस डायग्राम में जो हार्ड की तरफ है वो सभी सब्सटेंस क्या हैं, दैट आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल. आप इनको इजीली दबा नहीं सकते, उनके शेप चेंज नहीं कर सकते. सॉफ्ट में देखिए टेडी बियर है, पिलो है, स्पॉन्जेस दिखाए गए हैं, ये क्या है, सॉफ्ट है सब मटीरियल्स. नेक्स्ट बेस क्या है, अपीयरेंस का बेस है, यानी कि वो दिखते कैसे हैं, शाइन करते हैं या नहीं करते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है, उसका सरफेस बहुत शाइनिंग है, जैसे हमारे मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर है, ये सब क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं, तो जितने भी शाइनिंग सरफेसेस हैं वो सब लस्टरस हो जाते हैं. तो आपको अपीयरेंस के बेसिस पे रखना है याद, लस्टरस एंड नॉन लस्टरस. लस्टरस वो ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करेंगे, जिनके सरफेस क्या होगी, शाइनिंग होगी. नॉन लस्टरस वो ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग सरफेस नहीं होगा जिनका, दे विल बी नॉट शाइनिंग. डायग्राम से समझेंगे, आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल, हेयर इज़ नॉट डायग्राम. लस्टरस में क्या हो गया, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, अभी इन्हीं की पिक्चर्स मैं आपको शो करी थी, बट इट्स ओके, मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं अभी. तो गोल्ड को आप देखोगे तो वो शाइन करता है, सिल्वर भी शाइन करता है, प्लैटिनम भी शाइन करता है, तो ये सब क्या हो गए, लस्टरस हो गए. लेकिन जो प्लास्टिक है, रबर है, कॉटन, आप उन्हें देखते हैं, आप डेली यूज़ में भी हम देखते हैं कि प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट शाइन नहीं करता है, तो वो क्या हो गया, नॉन लस्टरस हो गया. नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी का बेसिस. पहला हमने क्या पढ़ा, हार्डनेस, देन हमने पढ़ा अपीयरेंस, और देन हमने क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी. अब पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ किसी चीज़ में कितनी घुल सकती है. अगर वो सॉल्युबल है, यानी कि घुल पा रही है पानी में, अगर वो चीज़ घुल पा रही है, दैट इज़ सॉल्युबल. और अगर वो नहीं घुल पाती है, कोई सॉल्यूशन नहीं बना पा रही है, देन इट इज़ इनसॉल्युबल. तो सॉल्युबल मटेरियल्स वो होते हैं दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली, और इनसॉल्युबल वो होते हैं दैट कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली. यानी कि वो पानी में अच्छी तरह नहीं घुल पाएंगे तो इनसॉल्युबल, और अगर पानी में अच्छे से घुल पा रहे हैं, डिजॉल्व हो पा रहे हैं, तो सॉल्युबल. जैसे कि अगर हम शुगर को वाटर में मिला दें तो हम क्या, एक शुगर सॉल्यूशन मिल जाता है. लेकिन कभी आप सैंड को मिलाओगे वाटर में तो वो नीचे बैठ जाएगी, एंड इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू कि सैंड डिजॉल्व नहीं हुई है, तो दैट आर इनसॉल्युबल. तो ये होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. नेक्स्ट इज डेंसिटी. डेंसिटी के बेसिस पे
या तो कोई चीज़ फ्लोट करेगी, फ्लोट मतलब कि वो तैरेगी, या फिर सिंक होगी, सिंक मतलब कि वो डूब जाएगी पानी में। तो फ्लोट वो वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी डेंसिटी पानी से क्या होगी, कम होगी। जब पानी से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर ऊपर ही तैर जाएगा पानी के। कुछ चीज़ें हम देखते हैं ना ऊपर ऊपर ही फ्लोट हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएंगे जिनकी डेंसिटी इज़ मोर देन दी डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की डेंसिटी से उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो अपनी जगह बना लेते हैं एंड दे गो डाउन टू दी वाटर। दैट मीन्स दे सिंक इन दी वाटर। जैसे एक डायग्राम में देखिए, कोई प्लास्टिक की बॉटल आपने खाली ऐसे रख दी है, डाल दी पानी में, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बैलून को रख के देख लो, दैट विल ऑल्सो फ्लोट। पेपर पिन को रख लीजिए, वो भी क्या होगी, ऊपर पानी में फ्लोट करेगी। आप चाहे देख करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहीं अगर आप कुछ आयरन की चीज़ डाल दो पानी में, दैट विल सिंक। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो गई, पानी से ज़्यादा हो गई। तो वो अगर स्टोन डाल दो, स्टोन की भी डेंसिटी क्या हो गई, पानी से ज़्यादा हो गई, तो वो सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आप एक चीज़ के आर पार कितना देख पाते हैं, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। इसमें भी तीन है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक। ट्रांसपेरेंट वो जिनके थ्रू आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी ग्लास लगा दीजिए, अब ग्लास के आर पार आप इजीली देख पाएंगे। हवा है, हवा हमारे चारों तरफ है, हम उसके आसपास इजीली देख पा रहे हैं। वाटर है, उसके भी हम क्लियरली देख पाते हैं आर पार। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम इजीली नहीं देख पाते हैं। कोई भी ब्लर अपीयरेंस का कोई भी ग्लास ले लीजिए, उसके आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ओपैक जिनके थ्रू हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, जैसे कुछ कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लीजिए, डोर, ब्रिक, व्हाटएवर, जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप आर पार नहीं देख सकते वो तो ओपैक होते हैं। ट्रांसलूसेंट जिनके आर पार आप कुछ हद तक देख सकते हैं बट आप क्लियर नहीं देख सकते, दैट इज़ ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट वो जिनके आर पार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं क्लासीफाई करके, जितने भी ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, एनीथिंग। और ट्रांसलूसेंट में हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं, और पैक में जितने भी हमारे कुछ भी आप सब्सटेंस ले सकते हैं, जैसे डोर है, ब्रिक है, और एनी सॉलिड सब्सटेंस लाइक कूलर, फैन, टेबल, आप कुछ भी ले लीजिए, दैट मतलब कि आप उसके आर पार नहीं देख सकते। तो आपको समझना चाहिए सॉर्टिंग क्या है, मैटेरियल्स को क्लासीफाई करना डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, दैट इज़ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्यों ज़रूरी है, कि हम इजीली, हमें पढ़ने में इजी हो उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनको अलग अलग अगर हम रखेंगे तो इजीली हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो बेसिस क्या क्या थे, पहला था हार्डनेस। हार्डनेस पे हार्ड और सॉफ्ट होते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट हम कंप्रेस नहीं कर सकते दैट इज़ हार्ड, जिसको कंप्रेस करते हैं दैट इज़ सॉफ्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अपीयरेंस पे, अपीयरेंस में जो शाइन करेंगे यानी कि लस्टरस, जो शाइन नहीं करेंगे वो नॉन लस्टरस। देन डेंसिटी पे हमने पढ़ा कि जो जिनकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करेंगे, तैर जाएंगे पानी में, जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। देन हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी कि जो पानी में सॉल्युबल होगा पूरी तरह वो सॉल्युबल, और जो नहीं होगा पूरी तरह सॉल्युबल दैट इज़ इनसॉल्युबल। और ट्रांसपेरेंसी पे हमने पढ़ा, ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनके हम पार्शियली आर पार देख सकते हैं, आधा अधूरा देख सकते हैं, क्लियर नहीं देख सकते, ओपैक जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सो दैट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 4। थैंक यू।